गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी खाना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको ईमान वाली और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं सिंपल रेसिपी के साथ कोफ्ते बना रही हूँ। कीमा मेरे पास 1 kg है और मीडियम साइज़ मैंने ऑनियन फाइन चॉप कर लिया है और ग्रीन चिली और धनिया मैंने फाइन चॉप कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सॉल्ट 1 tablespoon, रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, क्योंकि मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें फाइन चॉप की हैं। सूखा धनिया और ज़ीरा 1 teaspoon है और इनको मैंने टोस्टेड कर लिया था और फिर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये इसका पाउडर हमने यूज़ करना है। गरम मसाला पाउडर भी 1 teaspoon। अब इन सारे मसालों में मैं कीमा शामिल करूंगी। ख्याल रहे कि कीमे से पानी बहुत ही अच्छी तरह ड्रेन हो चुका हो, फिर आपने अच्छी तरह ड्राई करके इसमें कीमा शामिल करना है। तो इसमें कीमा शामिल करके मैं इसके बाउल बना लूँगी। 1 अंडा बीट करके मैंने कीमे में शामिल किया था और कीमा बिल्कुल मैंने फाइन ये इस तरह कर लिया है। 2 बार इसको मैंने बुचर से कह के मशीन से निकलवाया था, तो बिल्कुल ये फाइन इस तरह करना है। और अब मैं पानी लगाऊंगी हाथ को और इस तरीके से इसके बॉल बनाती जाऊंगी। बिल्कुल आपने इसको दबा दबा के पानी लगा के ये देखें। अब मैं कोफ्तों के लिए उसकी ग्रेवी तैयार करूंगी। ये 2 large size मेरे पास ऑनियन है और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले ये मैं इसमें शामिल करूंगी। अब मैं इसमें 1 tablespoon गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करूंगी। पाँच मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं 2 large size टमाटर मैंने लिए हैं और इसका मैंने पेस्ट शामिल किया है। अब इसको मैं 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूंगी। ये सारे मसाले मैंने 1 teaspoon लिए हैं। 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon सूखा धनिया पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट एज योर टेस्ट, हल्दी 1 teaspoon, सुरख मिर्च पाउडर 1 teaspoon। ये सारे मसाले मैं अब इसमें शामिल करके इसको थोड़ा देर के लिए भूनूंगी। अब मैं इसमें 1 glass पानी शामिल करूंगी। पाँच मिनट के लिए इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और इसके बबल बन रहे हैं। पानी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूंगी इस तरीके से। जब तक ये सेट नहीं हो जाएंगे तब तक ना मैंने इसको कवर करना ना इसमें मैंने चम्मच चलाना। अभी मैं इसको इसी तरह पकने दूंगी। अब 5 मिनट बाद मैंने इसको, इसकी एक साइड पक गई है इस तरीके से। आपने ये देखें, जिन कोफ्तों का कलर, ये एक साइड का कलर चेंज हो चुका है, ये ऊपर आ गए। इस तरीके से आपने इसको हिलाना है ताकि इसकी साइड चेंज होके ये पकते जाए। ये देखिए, अब मैंने फ्लेम हाई कर दी है। इसका ये जो पानी है सारा ये ड्राई हो जाएगा और ऑयल अलग हो चुका होगा। फिर उसी ऑयल में मैं इन कोफ्तों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें पानी शामिल करूंगी, जितना आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं। तो इस पानी को अब मैंने ड्राई करना है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है
पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल इसका अलग हो चुका है। अब इस तरीके से इसमें इसको फ्राई करते जाना। ना तो मैंने इसको कवर किया ना चम्मच चलाया, और जितनी देर पानी ड्राई होता रहा मैं इसको मसलसल इस तरह करती रही थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि इसका मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए। अब इसी ऑयल में इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें पानी एज़ यू रिक्वायर्ड आप पानी शामिल करें, और फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। और ये देखें बहुत ही अच्छे हैं आपके ये कोफ्ते बन गए हैं। अब लास्ट पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूंगी और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी। कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड क्लिक द बेल बटन फॉर माय न्यू रेसिपी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।